वाला मार्केट होते हुए निकलूंगा। मेरी एंट्री हो गई अंदर आगे एयरपोर्ट, और ये एयर इंडिया की इतनी बड़ी फ्लाइट खड़ी है। रात के हो रहे एक और मैं आ गया हूँ वापस, तो सुबह मेरी फ्लाइट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। बस मैं अभी नहाया हूँ, नहाने के बाद अब मैं निकलूँगा सीधा एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 1:30 बजे की और अभी बज रहे हैं 8:30। तो थोड़ा सा घूम लेता हूँ, मार्केट चला जाता हूँ, देखता हूँ कुछ ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद मैं निकलूँगा एयरपोर्ट। मिलते हैं एयरपोर्ट पर। तो गाइस मैं लोखंड वाला मार्केट होते हुए निकलूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी एयरपोर्ट में बहुत टाइम है, मतलब फ़्लाइट में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट वहाँ पे लोखंड वाला घूम लूँ थोड़ा सा, उसके बाद जाऊँगा एयरपोर्ट। गाइस मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो गाइज़ इतनी सुबह मैं लोखंड वाला चला गया, वहाँ पर कोई भी शॉप मुझे ओपन नहीं मिली, तो मार्केट बंद था, इसीलिए मैं निकल गया एयरपोर्ट, क्योंकि मुंबई का एयरपोर्ट मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था। मुझे लगा कोई ना कोई सेलिब्रिटी मिल जाएगा, कोई भी नहीं मिला। गेट नंबर 6 से होगी मेरी एंट्री। मेरी एंट्री हो गई अंदर एयरपोर्ट में, बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, अभी देखते हैं। गेट नंबर 42 से बैठना है। अब मैंने बोर्डिंग पास अपना निकलवा लिया, ये रहा, अब की बार मेरी इंडिगो है। बड़ा ही लंबा प्रोसीजर है यार, अब यहाँ से नीचे जाओ। ओ यहाँ पे तो फिश भी है, ये देखो कलरफुल फिश है। तो गाइस जैसे मैं सीढ़ी से उतरा, मुझे मेरी फेवरेट खड़ी हुई मिल गई, काश सच में मिल जाती है, कियारा आडवाणी। हल्दीराम। गाइस यहाँ पर अभी हमारी फ्लाइट का टाइम है, तो यहाँ पर हम कुछ खा सकते हैं। यहाँ पर तो सारी वाइन वगैरह बिक रही है, उधर है साइट, उधर शॉपिंग करने जा सकते हो आप एयरपोर्ट से। आगे एयरपोर्ट, और ये एयर इंडिया की इतनी बड़ी फ्लाइट खड़ी है ना, सबसे बड़ी यही लग रही है मुझे तो। देखना गाइस कितनी बड़ी है। थीम बना रखे इधर, ऐसे लग रहा है किसी का घर हो, रजवाड़े वाला, पुराने गेट, बहुत ओल्ड फैशन टाइप का कुछ। प्यारी आर्ट बनाई हुई है यहाँ पे, बहुत सुंदर। मैं आ गया 42, यहाँ से मुझे जाना है। कितने प्यारे फोटो है बालाजी की, ये बालाजी लिखा भी हुआ है, बहुत सुंदर। अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में। नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। स्लिप इट ओवर योर हेड, सिक्योर द स्ट्रैप अराउंड योर वेस्ट, इन्फ्लेट बाय पुलिंग द रेड टैब्स और ब्लोइंग इनटू द इन्फ्लेशन ट्यूब्स, इन्फ्लेट द लाइफ जैकेट जस्ट बिफोर लीविंग।
गए दिल्ली। देखो कितना सा दिख रहा है। तो होगी गाइस लैंडिंग, टायर खुल गए हैं। मुझे दिख गया नोएडा, वो नोएडा की बिल्डिंग बड़ी वाली ये दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सुपरनोवा है पता नहीं कौन सी। ये देखो ये दिख गया मुझे नोएडा, जेपी ग्रीन से नहीं दिख रहा है, वो ग्रेटर नोएडा में है ना। ये देखो शायद मैं भी दिखे मुझे, ओ ओ, 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 ओ एकदम से डर लग रहा है, ये तो मुड़ गया। पूरा नोएडा जाके घूमा ये तो। ये वेव, वेव मॉल, ये नोएडा, ओ माय गॉड पूरा टर्न हो गया। तो गाइस अब हमारी लैंडिंग होने वाली है। चले गए पैदल, फिर हम उतर जाएंगे। आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं घर। बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैंने लिए अचारी पनीर टिक्का सैंडविच, ये ठीक है। मैंने लिया है ये सैंडविच, इसमें देखते कुछ फिलिंग किस चीज़ की है ये भी नहीं पता। अचार वगैरह कुछ भरा हुआ है। तो गाइज मैं पहुँच गया घर और मम्मी खड़ी हुई मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मम्मी करा रही थी लड्डू गोपाल जी का कीर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब यहीं कर दें।